तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आयु रेसिपी का साथ मैं आज बनाऊंगी फिश स्पाइसी करी। तो मैं देखिए अच्छी तरह से धो लिया, गर्म पानी ठंडा पानी नमक से अच्छी तरह से मैं धो लिया। तो अभी मैं इसमें दूंगी नमक और दूंगी थोड़ी सी हल्दी पाउडर। तो अच्छी तरह से हम हल्दी और नमक दे के इसको हम मिला लेते, क्योंकि मैं मिर्ची पाउडर नहीं दे, तो मिर्ची पाउडर देने से ना जब हम फिश फ्राई करते हैं तभी फिश जल जाता है, इसलिए मैं हमेशा हल्दी और नमक से मैं जब फ्राई करती हूँ, हमेशा नमक और हल्दी से मैं फ्राई करती हूँ फिश। तो चलिए देखिए मैं अच्छी तरह से मिला लिया, अभी फ्राई कर लेते हैं। तो चलिए देखिए मैंने गैस के ऊपर कढ़ाई तेल दे दिया, तेल भी मेरा गर्म हो गया, तो मैं अभी फिश दे देती हूँ। हम दोनों फिश दे देंगे और अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए मेरा फ्राई हो गया, मैं अभी निकल रही हूँ। तो उसी कढ़ाई में मैं थोड़ी सी तेल दिए थे और अभी दूंगी मैं थोड़ी सी जीरा और दे रूँ मैं 2 चम्मच जैसा प्याज का पेस्ट, मैं जैसा पेस्ट दे रूँ। तो अच्छी तरह से हम भून लेते, एक एक 4-5 सेकंड तक हम भून लेंगे, गोल्डन कलर बना लेते। हल्का गोल्डन कलर हो गया तो इसमें मैं दे रूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, ये भी हम मिला के गोल्डन कलर जैसा हम भून लेते। तो देखिए गोल्डन कलर जैसे भून के हो गया, तो मैं इसी में दे रूँ टमाटर का पेस्ट, तो भी अच्छी तरह से मिला लेते और भून लेते। तो इसी के साथ साथ मैं दूंगी बाद बाकी जो मसाला, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और दे रूँ मैं धनिया पाउडर, ये भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। देखिए इसमें मैं थोड़ी सी पानी ऐड करूँगी क्योंकि मसाला जल ना जाए, ये भी मैं 1 मिनट जैसे अच्छी तरह से मैं भून लूँगी। तो देखिए भून के मेरा हो गया, तो इसमें मैं करी के लिए दूंगी पानी। तो पानी मैंने दे दिया, एक बार मिला ले तू, तो एक उबलना आने दीजिए, जब उबलना आएगा तभी हम देंगे फिर जो फ्राई करके रख दिया वो। देखिए उबला आ गया, तो मैं इसमें दे रूँ नमक और इसमें दूंगी मैं भुना हुआ जीरा का पाउडर, मेरा भुना हुआ था इसलिए मैं लास्ट में दे रूँ, उसी टाइम नहीं दिए थे। तो एक बार मैं मिला देती हूँ अच्छी तरह से। तो अभी मैं इसी में दूंगी जो फ्राई करके से हम फिश रख दिया वो हम दे देते इसी में करी में। मैं कवर नहीं करूँ क्योंकि फिश फ्राई है, इसलिए मैं कवर नहीं करूँ, मैं उलट पलट करके मैं अच्छी तरह से पका लूँगी। तो मैं ऊपर से देखिए थोड़ा सा ग्रेवी उस फिश के ऊपर दे रूँ, लेकिन मैं पलटी कर दूंगी उसी से बाद में। तो देखिए मैं उलट पलट करके अच्छी तरह से मैं पका लिया 2-3 मिनट तक। तो मैं अभी इसी में दे रूँ गरम मसाले, मेरा घर का है भुना हुआ इसलिए मैं लास्ट में दे रूँ। तो मैं देने का ज़्यादा नहीं ली, थोड़ी सी लिया। तो देने के बाद मैं अच्छी तरह से करी में मिला लेती हूँ, जो गरम मसाला मैंने दिया अच्छी तरह से मिला ले रूँ। तो मिला लिया, मैं वाला एक बार चेंज कर देती हूँ। देखिए ऐसे मैंने उलट पलट करके दोनों फिश को अच्छी तरह से मैंने पका लिया 2-3 मिनट तक। तो चलिए हमारा करी बन के रेडी है, तो मैं ऊपर से दे रूँ मैं थोड़ी सी धनिया पत्ती। तो चलिए हम अभी निकल देते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा फिश करी बन के रेडी है। अगर आप लोग को रेसिपी अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे हम नया वीडियो का साथ। ओके बाय।